फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं दुजा। आपको पता है क्या, अगर आपको आपके बच्चे का फीडिंग स्केड्यूल सेट करना है, फिर चाहे एक्सप्रेस मिल्क से फीडिंग हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो, चाहे बॉटल फीडिंग हो, चाहे फॉर्मूला फीडिंग हो, फीडिंग का रूटीन सेट करने के सबसे कमाल के टिप्स हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कुछ चैलेंजेस जो नई मम्मा को होता है। बच्चा बहुत देर सोता है, फिर बच्चे का फीडिंग टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चा बिल्कुल भी नहीं सोता है तो हम लोग बच्चे को पिलाएंगे कैसे? बच्चा पीने के बाद बहुत सारा उल्टी करके बहुत सारा निकाल देता है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है, बच्चे को बहुत सारा कॉलिक होता है, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है या बच्चे का वज़न कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, क्या हम लोग बच्चे को कॉम्बिनेशन फीडिंग दे सकते हैं? ये कुछ कॉमन फीडिंग रिलेटेड क्वेश्चन है जो काफ़ी सारे पेरेंट्स को आते हैं। तो चलिए, आपके बच्चे का फीडिंग का रूटीन सेट करने के कुछ कमाल के टिप्स इस पर्टिकुलर वीडियो में जानते हैं। नंबर वन, अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडेड बच्चा है तो आप लोगों को कंपलसरी कोशिश करना है कि आप बच्चे को दिन के समय ज़्यादा ऑफन ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, ताकि रात के समय आपको ज़्यादा लंबा गैप मिल सके। अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फीड या एक्सप्रेस फीड लेता है तो आप लोगों को कोशिश करना है कि बच्चा इनिशियल 30-40 डेज में हर 2 घंटे बाद फीड ले, और अगर आपका बच्चा एक बार 40 डेज और मेडिकली प्रॉपरली डेवलप बच्चा है तो फिर आप लोग बच्चे का ऑन डिमांड फीडिंग चालू कर सकते हो। टिप नंबर 3, अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो आप लोगों को कोशिश करना है कि आप पहले 5 दिन हर फीड दोनों ब्रेस्ट से कराओ, बट पहले 5 दिन के बाद एट वन टाइम आपको एक ही ब्रेस्ट यूज करना है, से 12 o'clock, 1:30, से 4 o'clock, और ऐसा करते हुए आपको आगे जाना है। सो ऑल्टरनेट ब्रेस्ट, ऑल्टरनेट टाइमिंग को। टिप नंबर 4, अगर आप लोग बच्चे को बॉटल से फीडिंग करा रहे हो तो बच्चे को सुला के बच्चे के मुंह में डायरेक्ट बॉटल देने से बेटर है। बच्चे को थोड़ा सा रेज रखो, प्रिफरेबली 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री आपको नहीं होता है तो 70-80 डिग्री, बॉटल मुंह के सामने हॉरिजॉन्टल रखना है। बॉटल को 30 सेकंड्स के लिए टेढ़ा करो, निप्पल में आधा दूध भरो, फिर बॉटल को सीधा कर दो हॉरिजॉन्टल टू फ्लोर। बच्चा निप्पल का दूध खाली करेगा, फिर वापस टेढ़ा करो, वापस सीधा करो, टेढ़ा करो, सीधा करो। इसको बोलते हैं पेस्ट बॉटल फीडिंग। पेस्ट बॉटल फीडिंग से बच्चे का ओवर फीडिंग करना काफ़ी हद तक कम हो जाता है, उसके साथ आप लोग काफ़ी हद तक मैनेज कर पाओगे बर्पिंग इशू को भी। टिप नंबर 5, बॉटल फीडेड बच्चा हो या ब्रेस्ट फीडेड बच्चा हो, बच्चे को बर्पिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर फीडिंग सेशन के बाद। अगर बच्चा फीडिंग के बीच में अनईजी हो रहा है, हाथ पाँव टेढ़े मेढ़े कर रहा है, तो फिर आपको ड्यूरिंग द फीडिंग सेशन भी बच्चे को एक बार बर्पिंग कराना चाहिए। बट एट द सेम टाइम कई बार सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले बच्चे बर्प नहीं करता, तो 5 से 7 मिनट के लिए बच्चे को वर्टिकल रखना इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। टिप नंबर 6, याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चे ने कितना क्वांटिटी ब्रेस्ट मिल्क लेना चाहिए ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, और आपके ब्रेस्ट का दूध ब्रेस्ट पंप से निकाल के मेजर करना ये भी सही नहीं है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडेड बच्चा है तो ऑन डिमांड फीडिंग एग्जैक्टली कितना एमएल पेट में गया हम लोग वैसे भी चेक नहीं कर सकते, इसलिए प्लीज़ पंप करके चेक करने के चक्कर में मत पड़ो। अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फीडेड बच्चा है, प्लीज़ इस मिथ में मत जाओ कि डब्बे पे 120 ml लिखा है ना, मतलब मुझे 120 ml पूरा बच्चे के मुंह में ठूसना ही है। द आंसर इज नो। अगर आप लोग इतना सारा दूध बच्चे को दे दोगे तो वो आपके बच्चे के वेट गेन में रिफ्लेक्ट होगा। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडेड बच्चा 150 g to 250 g पर वीक बढ़ता है। फॉर्मूला फीड लेने वाला बच्चा या एक्सप्रेस मिल्क बॉटल से लेने वाला बच्चा यूजुअली 200 g से लेके 350 g के बीच में बढ़ता है। थोड़ा सा ध्यान रखो, टू मच ओवरवेट नहीं बढ़ाना है हम लोग को बच्चे का, बच्चा नॉर्मल वेट की रेंज में होना चाहिए। टिप नंबर 7, याद रखो कभी भी बच्चे को ऑन डिमांड फीडिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एट द सेम टाइम आपको इंश्योर करना है कि बच्चे का स्किप्ड फीडिंग सेशन नहीं होना चाहिए। सी मेडिकली जब भी आपको बच्चे को फीडिंग देना है तभी देना ही है, नहीं वो बच्चा तो मेरा 7-7, 8-8 घंटे सोता है, मेरे बच्चे का सुसु काउंट हार्डली 2 पे आ गया है, देन मेडिकली इट्स नॉट राइट, इसीलिए फिर वो फीडिंग सेशन आपका ठीक से नहीं चल रहा है। टिप नंबर 8, प्लीज़ पेट को दबा के, पेट अंदर चला गया है इसका मतलब बच्चे को फीड ही नहीं मिल रहा है, बच्चा बार बार मुंह टेढ़ा कर रहा है मतलब बच्चे को फीड ही नहीं मिल रहा है, दिस इज़ अ कंप्लीट मिथ।
याद रखो ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा दिल थोड़ा सा दिमाग अगर आप लोग कॉम्बिनेशन में यूज़ करोगे तो आप लोग बहुत इजीली जज कर पाओगे कि क्या बच्चे का पेट भर रहा है सिर्फ बर्पिंग की वजह से है, या सिर्फ फीड के बाद सोने के ऊपर ये चीज़ डिसाइड नहीं होती है कि बच्चे को पेट भर के दूध मिल रहा है। टिप नंबर 9, बच्चे का फीड प्रॉपर हो गया इसका सिग्नल क्या हो सकता है? क्या बर्पिंग सिग्नल है? नो। क्या बच्चे का सोना सिग्नल है? नो। थर्ड, बच्चे ने पीसफुल रहना, खेलना या पीसफुली सोना, ये तीनों ही चीज़ें सिग्नल हो सकती है। बट एट द सेम टाइम हर बार बच्चा रोना डजेंट मीन कि बच्चा भूखा ही है। कई बार बच्चे रोते हैं, पेट के एनवायरनमेंट को मिस करते हैं, सराउंडिंग को एडजस्ट कर रहे हैं, किसी नए इंसान को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के अंदर शायद कोई डिस्टर्बेंस है उसको कन्वे करें, सिंपली मम्मा पापा को मिस करें, इसीलिए भी बच्चे टेढ़ा मेढ़ा मुँह बनाते हैं। इसीलिए ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है आप लोग। लास्ट टिप नंबर 10, ब्रेस्ट फीडिंग सेट करने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको लगता है मिल्क सप्लाई कम है तो ऑफन फीड कराओ ताकि फीड डिमांड मैकेनिज्म आप लोग सेट कर सको। अगर आपका पाउडर फीडेड बच्चा है और आप लोग को लगता है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बच्चे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैसेस हो रहे हैं, तो जो पर्टिकुलर फॉर्मूला फीड आप लोग यूज़ कर रहे हो कोशिश करो कि आप लोग दूसरा ब्रांड एक बार ट्राई करो। ये 10 टिप्स आपको आपके फीडिंग स्केड्यूल को सेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। याद रखो ऑल ऑफ यू, एम श्रेया शाह, आई एम अ लैक्टेशन कंसल्टेंट, और नई पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना ये मोटिव के साथ मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।